हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो यहाँ पर डीएफबी पोकल लीग का मैच हो रहा है, मतलब जर्मन कप का। तो यहाँ पर केएसएन वर्सेस एनयूआर के बीच मैच है, और ये कोई नया मैच नहीं है, क्योंकि इन दोनों टीम्स का मैच जर्मन बंडसलीगा 2 लीग के अंदर आए साल होता रहता है। साल में दो दो तीन तीन बार ये दोनों टीम्स एक साथ बिड़ती हैं। तो आगे अगर बात करें तो मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। सो बढ़ते हैं आगे। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। तो बात करूँ इस मैच की, देखो महाबकवास टीम है दोनों, बिल्कुल मतलब बंडसलीगा 2 लीग के अंदर इस टीम को भी खेलने की अक्कल नहीं है ना इनको। तो ये दोनों टीम्स के आपस में टक्कर है। क्यों टक्कर है? क्योंकि दोनों वीक है। जब दो स्ट्रांग टीम होती है ना, उसको भी टक्कर बोला जाता है, और जब दो वीक टीम भिड़ती है ना, उसको भी एक टक्कर ही बोला जाता है। क्योंकि दोनों का थिंकिंग, दोनों का गेम प्ले मैटर करता है, क्योंकि आज ये दोनों वीक टीम में से कौन जीत हासिल करती है ये देख के पता चलेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, उम्मीद छोड़ दो, अगर आप एनयूआर को फेवर कर रहे हो तो भी आप गलत हो, अगर आप केएसएन को फेवर कर रहे हो तो भी गलत हो। भाई डबल साइड टीम बनाओ, रेशियो ऐसा रखो कि अगर आप 6 प्लेयर यहाँ के ले रहे हो तो 5 यहाँ के लो, अगर 5 यहाँ के ले रहे हो तो 6 यहाँ के लो, ठीक है। तो स्ट्राइकिंग में आते, पहले टी बॉयड की बात करें। देखिए टी बॉयड हो गया, टेरेंस बॉयड सुन लो, उसके बाद अपना एक प्लेयर आ जाता है जिसका नाम है रिचमोंड, ठीक है। उसके बाद डी हयाशी, और हयाशी के बाद इनका एक प्लेयर है जिसका नाम है लॉक कैंपर। तो लॉक कैंपर हो गया ये, इन में से यू हैव टू टेक ओनली 3 प्लेयर्स, ठीक है, जेन्युइनली बता रहा हूँ। तीन तीन प्लेयर के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है एके, अगर एके खेलेगा तो ऊपर से बॉयड या आर टैकी में से कोई एक नहीं खेलेगा। तो पहले तो आप बॉयड और इसको पक्का करो, क्योंकि बॉयड एंड रिचमन टैकी में से दोनों में से कोई एक तो जरूर खेलने वाला, अगर कोई नहीं खेलेगा देन यू हैव टू गो विद आर एके। तो ये तो आपको कंफर्म हो गया। और ऑपोजिशन टीम हयाशी, इसको ऑपोजिशन टीम का प्लेयर हयाशी को जरूर लेना, क्योंकि एनयूआर टीम ठीक है, लेकिन जर्मन कप का जो इनका लास्ट मैच होता है उनमें इन्होंने 9 गोल्स किए थे, बट इनको नहीं किए थे, किसी और टीम को किए थे, ठीक है। और मिडफील्डिंग की बात करें, रिटर, रिटर इज़ अ ग्रेट प्लेयर, रिटर को तो मतलब मैं क्या ही कहूँ, रिटर का क्या ही कहना है भाई, मतलब ये भी मैं कहूँगा। उसके बाद और बात करें देन सी उजुन द मेन प्लेयर, और टी डुमन, ये दोनों प्लेयर एनयूआर के मेन खिलाड़ी हैं। अगर एनयूआर टीम जितने मैचेस जीत भी लेती है ना, थोड़े बहुत जो जीत भी लेती है, वो भी भाई साहब सिर्फ इन्हीं के कारण, जो पीछे 9 गोल किए भी थे उसमें उजुन के ही 2-3 गोल थे, तो इसको जरूर लेना। और स्क्लीमर का एक आध गोल आ सकता है तो ये जीएल वाले लेंगे, बट बहुत कम चांसेस है इसलिए मैं नहीं ले रहा। उसके बाद भी आप यहाँ से ले सकते हो केएसएन का प्लेयर बोरिस, या ले सकते हो रेस्चल, क्योंकि दोनों में से एक आपको अच्छा करता दिख सकता है। इफ़ यू वॉन्ट टू टेक रिस्क देन रेस्चल के साथ जाओ, या मैं कहूँगा सेफ ही चले जाओ, क्योंकि कहने को देखो आपने इस टीम के अंदर एक प्लेयर पे जो रिस्क लेना है वो है आपका कप्तान। आप किसको कप्तान रखते हो, किसको वाइस कप्तान रखते हो, वो यहाँ मैटर करता है। क्योंकि देखो रीटर को भी सब लेंगे, तोम्यक को भी सब लेंगे, डुमन को भी सब लेंगे, उजुन को भी सब लेंगे, सिर्फ आपका कप्तान कौन होगा ये मैटर करता है। उसके बाद डिफेंडिंग की बात करूँ तो यहाँ पर ना एक प्लेयर जो एनयूआर का रहेगा, दैट वॉज ग्यामरे। ग्यामरे के बाद जो अगला प्लेयर है, दैट वॉज यहाँ पर एक प्लेयर है इनका एनयूआर का, अहमद गुरलियन। नहीं लेना तो आप सी स्प्लेंडर के साथ जा सकते हो, बट मैं इसके साथ जा रहा हूँ। और ऑपोजिशन टीम का मैं एक प्लेयर जरूर लूँगा, जो कि है ई ड्रम, क्योंकि ऑपोजिशन टीम के दो प्लेयर्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, एक ड्रम एंड एक ए ट्रॉर, ठीक है। एंड आगे से बात करें गोल कीपिंग सेक्शन की, देन क्रैल, क्रैल के साथ जाऊँगा, ठीक है। तो आगे बात करें अगर कप्तान की, देखिए मेरा जो कप्तान है, ध्यान से सुन लो, जो मेरा कप्तान है वो है उजुन, ठीक है। और मेरा जो वाइस कप्तान है वो या मैं हयाशी रखूँगा, या मैं रखूँगा ऑपोजिशन टीम का प्लेयर जिसका नाम है, जिसका नाम ध्यान से सुन लो, रिचमन टैकी, या फिर टी बॉयड में से कोई एक, इन तीनों में से कोई एक होगा मेरा कप्तान, वाइस कप्तान। तो देखते हैं भाई क्या करना है, क्योंकि मेरे दो प्लेयर ऑलमोस्ट फाइनल है, हयाशी या रिचमन टैकी। अभी टैकी को सेव कर लो। तो ये मेरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।